मेहता का उल्टा चश्मा। अरे 1 करोड़ का 50 किया और उसमें भी डिस्काउंट चाहिए? अभी ज्यादा नाटक किया ना तो बंदूक की चीख और जेठा का धमाका सुनाई देगा। तुम बोलते ही गलत हो। अरे जेठा की चीख और बंदूक का धमाका सुनाई देगा, ऐसा बोलना चाहिए। देखो आप सांड को लाल कपड़ा मत दिखाओ बापूजी। क्या सही बोलना पड़ता है बापूजी का, आप बुरा मत मानो। मेरे पापा तुम्हारे पास है तो तुम्हारे रघु और कमाल भी हमारे पास है। अब एक हाथ लो और एक हाथ दो। पहले तुम कमाल भाई और रघु को भेजो। देखो बोल दो, ऐसी दादागिरी नहीं चलेगी। अरे बापूजी कभी तो किसी का मानो। मैं तुझे अभी इसी वक्त नौकरी से निकालता हूँ। आप मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि मैं इस्तीफा देता हूँ। अरे मैं मालिक हूँ, मैं तुझे नौकरी से निकालता हूँ। गेट आउट नॉनसेंस। जेठा कहाँ जा रहा है? वापस अगवा हो जाएगा। सुनिए ये लीजिए प्रसाद। मैं दया भाभी के साथ शंकर भगवान के मंदिर गई थी। आज सावन का सोमवार है। जय बाबा भोलेनाथ। सावन का महीना आते ही है ना, सबको भगवान की याद आने लगती है और व्रत उपवास तो ऐसे शुरू हो जाते हैं जैसे एक ही महीने में सारे पाप खत्म करने हो। पर मैं तो सोचती हूँ कि पूरा साल सावन का महीना होना चाहिए। वो भला क्यों? क्योंकि इसी बहाने लोग भगवान का नाम ले लेते हैं और उपवास करने से वजन कंट्रोल में रहता है, समझे? व्रत और उपवास ये तो हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन हमारे देश में इसके अलावा भी कथाएं और प्रथाएं, इनकी कोई कमी नहीं है। और कई प्रथाएं तो ऐसी है जो हम बिना सवाल किए सालों से मनाते आ रहे हैं। और हमारे दोस्त जेठालाल भी सावन के महीने में सालों से एक प्रथा को बराबर फॉलो करते आ रहे हैं और वो प्रथा है ताश खेलने की। ताश खेलने के लिए ऐसे तड़पते हैं जैसे ब्रेकिंग न्यूज के लिए न्यूज चैनल वाले, और साथ में मुझे भी खींच ले जाते हैं उनके घर। हर साल उनके घर हम खेलते हैं ताश और मनाते हैं जन्माष्टमी। लेकिन इस बार मामला कुछ गड़बड़ है क्योंकि चंपकलाल जी आए हुए हैं ना घर पे। लेकिन जेठालाल भी ऐसे हार मानने वाले नहीं है। मैं जानता हूं उन्होंने जरूर कोई ना कोई तरकीब निकाल ली होगी। कैसे कहूं? चाय बापूजी, चाय। ओहो, इस बार बापूजी के होते हुए जन्माष्टमी में ताश कैसे खेलेंगे? बापूजी का कुछ करना पड़ेगा। क्या कुछ कहना है? हाँ बापूजी। क्या गांव का चक्कर मार के आइए? गांव में चक्कर? गांव क्या बगीचा है? जाऊंगा लेकिन 2 महीने बाद जाऊंगा। तभी वापस जाना? नहीं मतलब बापूजी, क्या है सावन का महीना है पता है तो गांव में मेला लगेगा, माँ पूजा होगी। अरे हाँ, ले ये तूने अच्छा याद दिलाया, गांव तो जाना ही चाहिए। तो टिकट बुक कराऊं? हाँ हाँ करा ले, 4 टिकट बुक करवा ले। आपके अकेले के लिए 4 टिकट क्यों? ये बबू चक, हम सब जाएंगे। बहू जी, बापू जी, हम सब गांव जा रहे हैं, तैयारी करो। बापू जी हम सब की क्या जरूरत है? क्यों, तुझे माँ पूजा का लाभ नहीं उठाना है? मुझे यहाँ लाभ उठाना है। क्या लाभ? दुकान का लाभ? दुकान में जो धंधा होगा उसका लाभ छोड़ के मैं गांव कैसे जा सकता हूँ बापू जी? फिर आपका काम कौन संभालेगा? क्या बोलना क्या चाहती हो तुम? मींस के आपका खाना पीना कौन करेगा? ओ उसकी चिंता तुम मत करो, वो सब हो जाएगा। ठीक है बापूजी, हम जाएंगे। नहीं जाएंगे हम। क्यों?
अरे टप्पू की स्कूल चालू है और परीक्षा भी नजदीक है। हाँ ये बराबर है, टप्पू की पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है बापूजी, तो आप चले जाओ, एक टिकट निकालता हूँ। नहीं, टप्पू की छुट्टियों में हम सब साथ जाएंगे। अरे बाप रे, कुछ सोचना पड़ेगा वरना कल रात ताश कैसे खेलेंगे। एक काम करता हूँ, सोटी हाथी रसिक से मीटिंग करता हूँ, शायद कोई रास्ता निकल आए। भाइयों, ये मीटिंग इसलिए बुलाई गई है क्योंकि इस बार मेरे घर पे बापूजी है। तो इस बार हम ताश मेरे घर पर नहीं खेल सकते। तो इसका मतलब इस साल हम लोग ताश नहीं खेल पाएंगे? नहीं नहीं, खेलेंगे पर कोई और जगह ढूंढनी पड़ेगी। शी, तो ये मीटिंग क्या ताश के लिए बुलाई थी? मैं नहीं खेलता ताश वाश। अरे भिड़े प्रा, ये तो रिवाज है। अरे जैसे हम लोग हर साल दिवाली पे खेलते हैं। हाँ, श्रावण में हर कोई खेलता है, एक प्रथा है। मैं तो रोज खेलता हूँ, रोज शेर लेता हूँ, रोज शेर बेचता हूँ। भाई मैं तो खेलूंगा। साल में एक बार खेलने से कुछ नहीं होता, ना बीपी बढ़ता है ना शुगर बढ़ता है। हाँ देखो। अरे हाथी, ऐसे ही मेरा एक दोस्त खेलने गया था अपनी गाड़ी में और वापस आया बस में। तो चंगी गल है ना, 4 लाख की गड्डी में गया था और 20 लाख की गड्डी में वापस आया। ओ मेहता साहब, अब वो क्या कहते हैं, प्रॉब्लम तो है सबके साथ, सिर्फ नजरिए की है बात। देखिए ये मजाक की बात नहीं है। ए सोटी, मैंने बोला था ना ये भीड़ों को मत लाना। ओ जेठा परा, आपने जैसे कहा था मैंने सोसाइटी के सारे मर्दों को ही बुलाया। वही तो, सारे मर्दों को। क्या क्या मतलब, क्या तुम्हारा मतलब क्या है? मैं मर्द नहीं हूँ। अरे भिड़े जी, क्या बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं यार, हम आपको कोई बुरा बनने के लिए थोड़ी कह रहे हैं। अरे मैं कहाँ खेलता हूँ ताश, मुझे देखिए। लेकिन जेठालाल मेरे इतने करीबी दोस्त हैं कि मैं जा रहा हूँ इनके लिए, तो चले आइए, क्या दिक्कत है। नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगा। चलेगा ठीक है, सोसाइटी के सारे मर्द जा रहे हैं, फिर अगर आप नहीं आएंगे तो मैं आऊंगा। लेकिन मैं ताश नहीं खेलूंगा। ठीक है, कोई नहीं, ना खेडी यार, तू मेरे नाल बैठी बस। हेलो मासीबा। हाँ ठीक है, आ जाएंगे। अरे टप्पू के पापा। हाँ मैं ही हूँ, बोलो। आज मेरी मासीबा की रितु का हैप्पी बर्थडे है। ठीक है, तो मैं दुकान जाते जाते रास्ते में से चॉकलेट खरीद के खा लूंगा। अरे उन्होंने हमें आज रात को उनके घर पर खाने के लिए बुलाया है। आज ही बुलाया? अरे आज बर्थडे मनाने की क्या जरूरत है? क्योंकि आज ही उसका हैप्पी बर्थडे है। मैं नहीं आ सकता। हाँ, हमेशा मेरे रिश्तेदार के यहाँ जाने का होता है तो आप मना ही करते हैं, और अपने रिश्तेदार के यहाँ जाने का होता है तो हंसते चले जाते हैं। क्या पहनूंगा, ये पहनूंगी, वो पहनूंगी। मैं नहीं आ सकता तो नहीं आ सकता, आज रात मुझे दुकान में काम है। ए भाई, जन्माष्टमी में रात को दुकान में क्या काम है? टीवी की जगह मटकियां बेचने वाला है? अरे अरे भाजू वटने। नहीं बापूजी। तो क्या दुकान धोने वाला है? नहीं बापूजी। अरे तो काम क्या है बताना। मैं बताती हूँ बापूजी, इनको पूरी रात और कोई काम नहीं, दोस्तों के साथ मिलकर ताश खेलना है। ताश खेलता है? अरे भूल गया, बचपन में एक दिन तुझे ताश खेलते हुए पकड़ लिया था तो भैंस के साथ बांध दिया था। अच्छा अब पता चला ये भैंस से इतना डरते क्यों है। पर बापूजी, आपको यहाँ कहाँ भैंस मिलेगी? चिंता मत करो, तुम्हारे साथ मुझे बांध देंगे बस। चुप रे, बहू क्या भैंस है? खबरदार खबरदार, जो ताश खेलने गया तो समझ ले तेरी खैर नहीं। जा चुपचाप बहू के साथ खाने पे जा। बापूजी ये क्या हर बार आप मुझे डांटते रहते हैं, मैं क्या छोटा बच्चा हूँ? तो ठीक से बड़ा भी तो नहीं हुआ है। तो पापा, पापा क्या है? टप्पू को दही हांडी के लिए चंदा चाहिए। अच्छा ये ले। ये क्या, सिर्फ 50 रुपए? ज्यादा है? नहीं नहीं, और ज्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि आप टप्पू के पापा हो। तो क्या गुनाह किया मैंने? ये चाहिए तो रख वरना वापस दे। दादाजी। अरे मेरा टप्पूड़ा, चिंता मत कर बेटा, अच्छे काम के लिए पैसे मिल ही जाते हैं, नेक काम कभी नहीं रुकता, समझा? बापूजी
इन्होंने ताश खेलने की कोशिश भी की ना तो बापूजी इनको भैंस के तबेले में भैंस के साथ बांध देंगे। क्या? कुछ नहीं, मैं ये कह रही थी कि इस बार ऐसी कोई ताश की महफिल होगी ही नहीं। अरे हाँ, डॉक्टर साहब पिछले साल 5,000 रुपए हार गए और फिर बीपी 10,000 हो गया था। क्या? हाँ, 2 दिन तक गोलियों पर इक्का राजा रानी लिख लिख कर खाया, तब जाके उनकी तबीयत ठीक हो गई। हम लोग एक काम करते हैं, इस बार गोकुल अष्टमी हमारे बिल्डिंग में मनाने के बाद हम सब लोग साथ में मिलकर मंदिर जाएंगे और कृष्ण कन्हैया के लिए हम साथ में मिलकर प्रसाद बनाएंगे। हाँ, और हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे कि हमारे पतियों को थोड़ी सी अकल देना ताकि वो सब सुधर जाए। आप सबको क्या लगता है कि सिर्फ भगवान जी को प्रार्थना करने से पतिदेव सुधर जाते हैं? मुझे क्या पता, मैं तो इसी पंचायत में पढ़ती नहीं हूँ। भगवान को इनको सुधरना तो सुधर, मुझे क्या, मुझे तो क्या पता कि इनका ताज का प्रोग्राम है ना तो चौपट हो गया है, तो मुझे क्या पता। नहीं नहीं कुछ नहीं, चलो तैयारी करेंगे। ए, हाँ, चलो, बैठे चलो। बैठे क्या होगा। हाँ, चलिए मैं तो कब से राह देख रही थी। हाँ जी जेठा भाई बोलिए, क्या हाल है? वो मैंने बंदोबस्त कर दिया है। बंदोबस्त? किस चीज का बंदोबस्त जेठा भाई? अरे अपना ताश खेलने का बंदोबस्त। मेरा एक दोस्त है चौकसी, उसका बंगलो बिल्कुल खाली है, मैं अभी वहीं से बोल रहा हूँ। देखो मेहता साहब, मैंने आपको फोन इसलिए किया है कि आप मैंने पिछले साल की तरह लाल शर्ट पहन के आना। लाल शर्ट? अरे आप समझे नहीं मेहता साहब, पिछले साल आप लाल शर्ट पहन कर आए थे तो मैं कितना जीता था, वो मेरे लिए गुड लक है। अरे जेठालाल, लेकिन वो शर्ट मैंने लॉन्ड्री में दे दिए दोस्त। अरे ये क्या कर रहे हैं मेहता साहब आप? अच्छा काम करो तो लाल पैंट पहन कर आना बस। अरे जेठा भाई, कभी कोई लाल पैंट भी पहनता है क्या? अच्छा तो अंजलि भाभी की लाल लिपस्टिक अपने जेब में रख के आना, वो तो आप कर सकते हैं। अब ये लिपस्टिक कहाँ से बीच में आ गई? नहीं इसका मना मत करना, देखो मेरे लिए गुड लक है, प्लीज वो आप जेब में रख के आना प्लीज। हाँ तो शाम को मिलते हैं इधर चौकसी के बंगलों पे, और देखो सबको बता देना, सोधी हाथी बीड़े सबको, और हाँ वो रसिक सटोड़िया को भी, और मैं इसका एड्रेस है ना आपको SMS करता हूँ। ओके क्या करूं देवा, झूठ कैसे बोलूं, और वो भी माधवी से। नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं एक शिक्षक हूं, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। नहीं, इस सोड़ी ने मुझे फंसा दिया है। क्या हुआ? हाँ? आप इतने परेशान क्यों हो? वो रात को खेलना है ना। हाँ? नहीं नहीं जाना है ना। कहाँ? वो स्कूल की परीक्षा होती है ना, उसके लिए क्वेश्चन पेपर निकालना है। लेकिन आप तो प्राइवेट ट्यूशंस लेते हो, स्कूल में कहाँ पढ़ाते हो? हाँ मैं कहाँ स्कूल में पढ़ाता हूँ, मैं तो प्राइवेट। अरे हाँ, मेरा वो जिगरी दोस्त है ना, वो पढ़ाता है स्कूल में, उसके लिए जाना है। अच्छा अच्छा, जाना किधर है, कब है, और ये दोस्त कौन है? ये दोस्त, तुम कितने सवाल करती हो माधवी, क्वेश्चन पेपर मुझे निकालना है तुम्हें? ओए पापा जी। ओए बलविंदर को क्या हो गया? क्या बीमार हो गया? अचानक बहुत ज्यादा बीमार हो गया, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। ऊपर जाए जी, आप चिंता मत करो, मैं अभी आ रहा हूँ। चंगा जी, सत श्री अकाल जी। सुन रहे हो? अरे अपना बलविंदर बल्लू है ना, उसका बुरे तरीके से पंचर हो गया है, इंजन ऑयल बदलवाना पड़ेगा, गैराज ले जाना पड़ेगा उसे। गैराज? ओए हॉस्पिटल, वो मुझे जल्दी जाना पड़ेगा, पर जाए जी ना बहुत अकेले हैं वहाँ पे। पन का? वापी। ओ भी आऊँ? ओ नहीं रोशन जी, मैं आधे घंटे में पहुँच जाऊँगा। अर्धा कलाक में वापी? ओहो आधे घंटे में यहाँ से निकलूँगा तो सुबह तक वापिस आ जाऊँगा। थोप थोप उतारो बैग पैक करो छू। हाँ। कदाच रुकू पड़े तो। वापी। मैं तो झूठ बोलकर आया हूँ कि पेशेंट को देखने जा रहा हूँ। मैंने भी कह दिया, और शेयर मार्केट जोर में आज रात को भी खुला रहेगा। मैंने तो अपने दोस्त को ही बीमार कर दिया। अरे पर तुम बैग लेके क्यों आए हो? इधर के हफ्ता रहने का विचार है? ओ यार मैंने एक लंबा ही बहाना छोड़ दिया,
कि मैं वापिस जा रहा हूँ और मेरी प्यारी रोशन, उसने पूरा बैग ही पैक करके दे दिया यार। बीवियों को बेवकूफ बनाना तो बहुत ही आसान है। देखिए सोड़ी साहब, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन भिड़े एक नंबर का डरपोक ही है। अभी छोड़ो ये सब, थोड़ा जल्दी गेम चालू करो भाई। अरे मेहता साहब आप क्यों खड़े हो, आओ मेरे बाजू में बैठो। मेहता साहब आप मेरा घुटला के आओ, बैठो बैठो। ए मारा भी 50। पिछले साल आप मेरे कौन से साइड बैठे थे, ये साइड की ये साइड? अरे यार जेठालाल, ताश में कोई याद रहता है क्या किधर बैठा था? तो याद रखो, इधर कितना पैसा दाव पे लगा, ऐसा मत करो आप, ये नुकसान ही होता है। ये क्या किया आपने? मैंने? हाँ तो किधर गया आपका गुड लक? अरे यार कभी नदी नाव पे तो कभी नाव नदी पे, अब पैसा कमाने के लिए थोड़ी खेलते हैं। हाँ तो ले, पैसा कमाने का तो बैठे हैं, ले तो मजा उठाओ, आनंद लो गेम का। अरे आनंद तो बाकी और चीज है दुनिया में, उससे उठाते हैं आनंद, ये गया ना पैसा। एक काम करो मेहता साहब, वो लिपस्टिक है ना, आप थोड़ा अभी लगा ही लो, थोड़ा लाल ऐसे दिखेगा तो थोड़ा लक आएगा। यार लक के लिए क्या क्या करवाओगे यार? देखा लग कुछ अभी क्यों हार रहे सब? कौन है अभी? अरे करो हेलो। क्या कर रहे हो? भजन गा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मतलब? मुझे क्या तुमको ऐसे एक एक मिनट का सब हिसाब देना पड़ेगा? मैं क्या तुम्हारे तो नौकरी करता हूँ? अरे मैंने तो आप खाना क्या खाओगे ये पूछने के लिए फोन किया था। अभी बोला नहीं था, दुकान में बहुत काम है, आज रात को मैं घर पे नहीं आऊंगा, मैं सुबह आऊंगा। अच्छा तो कल सुबह क्या बनाऊं? अरे जो मर्जी बनाओ ना भाई, अभी फोन रख। अरे भाई तुम्हारी बारी नहीं है, इसकी बारी है। हाँ हेलो, रख दिया। हाँ चल। ओ हो, अभी ये अय्यर भाई तो एक घंटा लगा, सुबह हो जाएगी, उनसे भी स्लो देंगे। एक मिनट इधर, ये रफीक भाई, बाटो बाटो। पापूजी सुनिए, टप्पू के पापा कहाँ है और क्या कर रहे हैं? यार कमाल कर दिया मेहता साहब, क्या गेम निकाला है, क्या बादशाह बेगम और इक्का है? आज लक किसके साथ है? लक रहा दुश्मनी कौन से जमाने की निकाली है यार भाई। चलो चलो जल्दी पत्ता पीसो जल्दी। चलो एक मिनट, ये कैट बदलो भाई अभी। अरे कैट क्या, ये ताश की गड्डी? हाँ ये बदलने से क्या लग बदल जाएगा? ट्राई करके देखते हैं। चलो ट्राई करें। चलो भाई ये भी ट्राई कर लो आप। अगर नहीं बदला लग तो फिर आप इधर से आके इधर बैठ जाना। अरे यार यार ये क्या क्या करना पड़ेगा यार, फिर तो यही बेटर रहेगा। तो इधर अच्छा लगता है? मेहता साहब आज मैं इतना हार क्यों रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है। जेठालाल जी वो आपकी जगह चेंज हो गई है ना। क्या मतलब? मतलब आपका घर ही आपका गुड लक है। बिल्कुल सही बोला आपने अय्यर भाई, ये आज मेरा बैड लक बापूजी की वजह से। बापूजी नहीं होते तो आज मैं जीत रहा होता।
सेठिया अब तो तुझे भैंस के साथ बांधना ही पड़ेगा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।